अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस वक्त हमारे सामने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, ये कढ़ी पकौड़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ मसाले, दही, बेसन, लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम पैन में ऑयल गर्म करके इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ते को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और ग्राइंडर जग में दही और बेसन को हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर हम जितना बेसन और दही का मिक्सचर बनेगा उससे डबल पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जब हमारा कड़ी पत्ता और ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए ऑयल में, तो हम इसमें अपना दही और बेसन का जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने जितना ही मिक्सचर था इसका हमने डबल पानी इसमें ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह मिलाना है और अपने मसाले भी ऐड कर देने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। अच्छा, अब हम पकौड़ों के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ऑयल, प्याज, आलू और कुछ मसाले हैं और इसके अलावा बेसन है। बेसन में हम ये सब कुछ मिक्स करेंगे और उसको हम ऑयल में पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है और जब हमारी कढ़ी गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर हम ये फ्राइड पकौड़े ऐड कर देंगे और ऊपर से हम इसको ज़ीरा और लहसुन का हम तड़का लगाएंगे और ये इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा और बहुत मज़े का और बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। थैंक यू।